छत्तीसगढ़ के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल बंसल न्यूज जबलपुर में एजुकेशन फेयर का आयोजन करने जा रहा है। शुक्रवार को एजुकेशन फेयर की शुरुआत हो चुकी है, जो आने वाले 24, 25 और 26 जून तक ये चलेगा। 4 दिवसीय एजुकेशन फेयर में मोटिवेशनल सेमिनार, स्टार्टअप फेस्ट, इंटर कोचिंग, क्विज कॉन्टेस्ट, कैरियर पेरेंटिंग सेमिनार, एनसीसी सेमिनार और प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। एजुकेशन फेयर में निजी शिक्षा संस्थानों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। पारुल यूनिवर्सिटी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी के साथ ही आकाश बायजूस के अलावा कई शिक्षण संस्थानों ने अपने स्टॉल लगाकर स्टूडेंट्स को अहम जानकारियां दी है। एजुकेशन फेयर के शुभारंभ कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर सिंह, अनु विधायक विनय सक्सेना, युवा अधिवक्ता वरुण तनखा मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक इतना अच्छा एजुकेशन फेयर की एक शुरुआत करी है इनने, एक नए कॉन्सेप्ट की, जबलपुर में नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी है। ऐसा पहले हुआ नहीं है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कितने सारे कॉलेजेस और स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, और ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा बंसल न्यूज़ से कि ये चीज़ हर साल करनी चाहिए उनको। एक मेरे को, मैं चाहता हूँ कि इस पूरे फेयर के माध्यम से, इसकी, इस पूरे बंसल न्यूज़ के एफर्ट से, मैं चाहूँगा कि एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप जिसकी $1 बिलियन की ऊपर की वैल्यू होती है, वो जबलपुर से आए, एक हमारा यूनिकॉर्न स्टार्टअप। बंसल एजुकेशन फेयर, मैं बंसल ग्रुप को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने संस्कारधानी में पहला एजुकेशन फेयर लगाया। जब आज हमने इसका इनॉग्रल फंक्शन किया और साथ में इनके जो काउंटर्स देखे, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से माता पिता जो अभिभावक हैं बच्चों के, और बच्चों को कई बार माता पिता नहीं समझ पाते कि बच्चे में क्या काबिलियत है, उसको कौन सी दिशा में हम आगे बढ़ने दें, और कई बार बच्चे नहीं अपना निर्णय ले पाते। यहाँ पे ऐसे भी काउंसलर आए हुए हैं जो आपके बच्चे के साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, और उसमें जिन जिन बिंदुओं पर वो जाँच करते हैं, वो आपको ये बता सकते हैं कि आपका बच्चा भविष्य में क्या बन सकता है। तो माता पिता को और बच्चों को, दोनों को कहीं ना कहीं रास्ता मिलता है कि हम बच्चों को किस क्षेत्र में भेजें और क्या भविष्य वो बनने की उसमें काबिलियत है। मुझे लगता है एक बहुत बेहतर प्रयास है बंसल न्यूज़ को और बंसल ग्रुप को, और इनके संस्थापक जो हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 30 से ज़्यादा स्कूल्स के टीचर्स का सम्मान, एक बड़ा बूस्टअप एजुकेशन जगत में संस्कारधानी के लिए बंसल न्यूज़ बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है। बच्चों को क्या कैरियर चूज़ करना है, उनकी साइकोलॉजी क्या कहती है, उनको आगे लाइफ में अपना कैरियर किस फील्ड में बनाना है, ये सारी चीज़ों की काउंसलिंग के साथ साथ उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रदान करना बंसल न्यूज़ का एक नेक काम है। संस्कारधानी के बच्चों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है बंसल और मंगलायतन यूनिवर्सिटी और बाकी सहयोगियों के साथ, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि एजुकेशन में हम और भी योगदान जो है संस्कारधानी और हमारे मध्य प्रदेश के लिए दे सकें। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो, उनका काफ़ी अच्छा यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है स्टूडेंट्स ने, और कई बार उनको जो स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन्स है उनके करियर से रिलेटेड, वो हमने कोशिश की कि उनको सॉल्व करें। इसके बाद फिर हमने अपने सेज यूनिवर्सिटी, भोपाल से हम लोग हैं, तो हमने सेज यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, जो बहुत सारे कोर्सेज हम यहाँ रन कर रहे हैं। सर, यहाँ के अच्छा लगा कि बंसल न्यूज़ वालों ने हमारे, मतलब स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी करियर काउंसलिंग की, हमें मतलब बताने के लिए हमारे जबलपुर में क्या क्या अवेलेबल है सबके लिए। मुझे तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा, अभी मैं बाकी दिन भी आऊँगी। मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी नॉलेज प्राप्त हुई, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बारे में यहाँ से पता चला, और मैं अभी ये इसको और अटेंड करूँगा और इसकी और इन्फॉर्मेशन लूँगा।